नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। जी हां, हम तो यही कहेंगे क्योंकि एक ऑडियो हमारे पास आया है जिसमें एक नगर पार्षद है, मुख्य पार्षद हैं, वो बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष को खूब खरी खोटी खूब धमकी देते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, तो पहले आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं। पहले ऑडियो सुनिए कि उसमें जो एक मुख्य पार्षद हैं, आपको ऑडियो सुना देते हैं, बता देते हैं कि इसमें कौन है ऑडियो में शामिल। दरअसल भाजपा ये जो ऑडियो में जिसकी आवाज है वो नगर पंचायत ठाकुरगंज के मुख्य पार्षद हैं। उनका नाम है प्रमोद कुमार चौधरी और वो एक स्थानीय पत्रकार से बात कर रहे हैं जिसमें खूब गाली गलौज नजर करते नजर आ रहे हैं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव गुप्ता के खिलाफ। जी हाँ, भाजपा नगर अध्यक्ष को हैसियत बताने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खींच कर उन्हें कमर में रस्सी बांध कर टांग कर किशनगंज जेल में भिजवा देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो पहले वो ऑडियो सुनिए, उसके बाद आपको पूरी बात बताते हैं कि क्या है माजरा, कि मामला क्या है। बोले थे ना, आपकी बात कीजिएगा। वही बोल रहे थे कि जो है ना केस तो बना दिए थे भाई, उसका केस का हम रेस्क्यू को लेकर सब चीज कर दीजिए। नहीं, सब चीज कर, उसका भाई मेरा दोस्त है ना, हम ही मैटर को सॉल्व किए थे ना, उसी का बाप ना, उसी का भाई ना ऐसा किया। बात तो ठीक है पर किसी को पर्सनली ले लेंगे तो पर्सनली क्या करें, पर्सनली ना हमको गाड़ी दिया गया, उसका अवकाश है क्या चेयरमैन के? आपको तो बोला ये ना, आपको अनिवार्य ने बोला नहीं मार क्या, वो क्या क्या लिखा वास्तव में गौरव गुप्ता, उसका अवकाश है? बात तो ठीक है, डर है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। इतना बड़ा हो, इतना बड़ा नेता बन गया, वो सारा पाँव में से ढंग का चप्पल नहीं है, नगर अध्यक्ष बनाया है, हम ही को मुंह दिखाता है, कमर में रस्सी बंधा के घुसवा देंगे, बोल देना उसको उसका कमर में रस्सी, वो केस ओपन होगा और कमर में रस्सी लगेगा, घर से टांग के ले जाकर के उसको वहाँ पर घुसवाए, समझा ना? जितना नेता बना कमर, हम बोल देना तुम लोग दूसरा काम जो बोल रहा, हमारा खून मांग लेना, खून दे देंगे तुम लोग को, लेकिन इसमें कोई नहीं, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत बड़ा औकात बन गया ना, उसका औकात हम दिखा देते हैं, कमर में रस्सी बांध के अगर घर से तन्ना कर गए उसको, हम किशनगंज जेल नहीं भेजवा दिए तो बेकार, भाई फंस जाएगा ना, मेरा भाई फंसे माए फंसे हमको क्या मतलब है, उसका भाई फंसे माए फंसे बाप फंसे हमको उससे कोई मतलब है। हमारा जब इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रखा तो हमारा ताकत देख लेंगे, हमारा पावर तो बड़का को पावर दिखा दिए, जीटीपीटी को हम लोग दूसरों को थोड़ा रगड़ना, नहीं रगड़ेंगे तो कोई भी आके मुंह में मुंह नहीं, इतना औकात हो गया सारे लोग को, बेचेगा ताड़ी है वो बनेगा नेता, बोल देना तो ताड़ी बेचेगा घर में, उसको भी बोल खबर भेजवा देना कि ताली भेजना बंद कर दो, नहीं तो चोरा भी घर में कमर में रस्सी बांधेंगे, वहाँ से हम करवा के वहाँ। आप भी जान रहे हैं कि किया कोई आ जाएगा, तो अपना आता नहीं है कि बात क्या बोलते हो, नहीं एक बार समझा दी, एक बार समझा दी, उसका लंबा लंबा जो लिखा है मैं घोर निंदा करता हूँ, साले तुम हो क्या रे, मेरा निंदा करते हो, अवकाश बता देते हैं, चलो कमर में रस्सी बनवाते हैं, खाना पहुँचवाना वहाँ दिक्कत नहीं होगा, हम नवीन को बोल देंगे तो उसको वहाँ पर व्यवस्था कर रहे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ जो दिक्कत हो जाए लेकिन किशनगंज जेल में इतना इंसानियत निभा देंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। कमर में रस्सी बनवाएंगे एकदम, एकदम बोल देना की कमर मजबूत कर रहे, रस्सी चढ़ाएगा, वो केस ओपन हो रहा है, कल मैं कल मैं परसों जाऊंगा किशनगंज, केस ओपन करवाता हूँ उसका, जी जी ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया, सरकार से बाहर हो गया, मेरा देश पर बस दोस्त है, तुम हमसे खून मांग लेना, खून दे देंगे ना, लेकिन वो सब बात नहीं करना, वो जो गलती किया उसका सजा तो उसको मिलेगा, एकदम निश्चित मिलेगा, बाकी तुम लोग जहाँ बोलोगे हम 24 घंटा खड़ा है,
साथ देते ही आप मेरा। नहीं ठीक है, 24 घंटा हम तुम लोग के लिए खड़ा है, लेकिन इस सब मैटर में हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बुढ़ा तो हम बोल रहे हैं उसका भाई को आप ले लेंगे, गलती हुई क्या, तो सजा तो वही होता है ना, बाप अगर गलती करता है तो उसकी सजा बेटा को भोगना पड़ता है, परिवार को भाई भोगना पड़ता है। उसका भाई को बोलो 4 दिन मारेगा बीच चढ़ाई पर, उसका भाई को बोलो कि तुम्हारा गलती के चलते हमको सजा मिलने वाला है, 4 दिन मारेगा बीच चढ़ाई। बेचारा नया नया अपना लाइफ शुरू किया है, फिर से शुरू किया है, तो बोलो उसका भाई को, बड़का नेता है तो बचा लेगा उसको। क्या बोलूं, बड़का नेता है जी, बहुत बड़का नेता है बाप के पास, पूरे एकदम राष्ट्रीय पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष। आप भी निंदा करता हूँ, जिसको टिकट करने का चिंता है वो करे, और सब नहीं पढ़ाएंगे, और सब पढ़ा दें क्या क्या लिखा है, हम लोग दिन गिर गए थे, बोले थे गिर गए तो आप उसको सजा के भोगेगा, भोगने दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो उसका भाई को बोल दो कि यही उसका, वो हम देंगे कि उसका भाई थोड़े गया था, हम बोलेंगे यही दोनों मिल के गया था, उसका भाई पीछे में बैठा हुआ था, यही शराब पर तस्करी करता है, उसी का नाम बोल देते हैं, यही जाएगा शर्म गौरव गुप्ता जल जाएगा, क्या दिक्कत है, नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो जरूर एकदम फाइनल है, इसमें हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे प्रदीप, बाकी जो है चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। तो सुना आपने, ऑडियो सुन लिया, जो नगर पंचायत ठाकुरगंज के मुख्य पार्षद हैं प्रमोद राज चौधरी, उनका ये ऑडियो है जो एक स्थानीय पत्रकार से बात कर रहे हैं, और बात किसके बारे में हो रही है फिर से बताएं कि भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं गौरव गुप्ता, तो गौरव गुप्ता के बारे में वो कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कमर में रस्सी बांधकर टांगकर किशनगंज जेल में भेजेंगे। दरअसल मुख्य पार्षद व्याकुल हैं, परेशान हैं, उनका कहना है कि एक पार्षद को, दरअसल एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था जिसमें एक पार्षद पैसे वसूलते नजर आया था, और इस बात का जब उजागर और वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य पार्षद को किरकिरी लग गई थी, क्योंकि जो पार्षद था उनके खेमे का था, उसके बाद दोनों के बीच तनातनी हो गई, नगर पंचायत ठाकुरगंज के मुख्य पार्षद प्रमोद राज चौधरी और भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव गुप्ता। हालांकि बताएं तो दोनों एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव गुप्ता बीजेपी से तो संबंध रखते ही रखते हैं, जो ठाकुरगंज के मुख्य पार्षद हैं प्रमोद राज चौधरी वो भी बीजेपी के ही समर्थक हैं और बीजेपी के खेमे से ही हैं, लेकिन बीजेपी के ही ये दो नेता आपस में भिड़े हुए हैं, और कहना है जो मुख्य पार्षद हैं जिस तरह से दबंगई दिखाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको हैसियत बता देंगे भाजपा नगर अध्यक्ष को, भाजपा नगर अध्यक्ष की हैसियत ही क्या है, सत्ता के नशे में चूर नजर आ रहे हैं जो मुख्य पार्षद महोदय हैं ठाकुरगंज के, उनका कहना है कि भाजपा नगर अध्यक्ष को सोशल मीडिया में नगर पंचायत की खराब सड़क जल जमाव आदि मुद्दों को सोशल मीडिया में उठाने के फर्जी केस में जेल भेजेंगे। दरअसल भाजपा नगर अध्यक्ष स्थानीय मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, स्थानीय मुद्दों में अगर बात करें तो खराब सड़क है, जल जमाव है, ये जो मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे भाजपा नगर अध्यक्ष यानी गौरव गुप्ता सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं लगातार, जो मुख्य पार्षद महोदय को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है, और तात्कालिक कारण जो हमने आपको बताया कि एक पार्षद पैसे मांगते हुए वीडियो में कैद हुआ था, तो उसकी भी खुन्नस मुख्य पार्षद महोदय को कहीं ना कहीं गौरव गुप्ता के खिलाफ है, और वो सरेआम वीडियो में धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया कि किस तरह से सत्ता का नशा, सत्ता की हनक, मुख्य पार्षद हैं जनाब तो उनके उनका जो नशा है मुख्य पार्षद होने का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। तो खैर इस मसले पर अब आगे क्या कुछ होगा, क्या कार्रवाई होगी, वो तो कह रहे हैं कि इस मसले पर हम गौरव गुप्ता जो नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के उन्हें फंसा देंगे, तो अब देखते हैं कि वो क्या कुछ करने वाले हैं, और इस मसले पर जो अब मामला गाली गलौज और जूतम पजार तक पहुंच चुका है उसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे, धन्यवाद।